पीछे। अरे डार्लिंग, तेलुगू तो मत पान भाई, आधी औरतों को तो मुझे देखते ही हार्ट अटैक हो गया, और बाकियों के चेहरे इतना लटके दैट नो अमाउंट ऑफ फेस लिफ्ट विल एवर बी एबल टू फिक्स देम। हाय, डिड यू सी व्हाट तम्मो वाज वेयरिंग? ओह माय गॉड, हर ड्रेस वाज कट टू सी लेवल, सब कुछ दिख रहा था। हाँ, हाँ, तकल्लुफ किया उसने कपड़े पहनने का। एक मिनट भाई, डार्लिंग आई गॉट टू गो, आई विल कॉल यू बैक। बाजी खर्चा आया था क्या है भाई? दिखाई नहीं देता, मैं फोन पे इंपॉर्टेंट बात कर रही थी, वो देखें स्काइप कॉल चल रही थी मेरी। स्काइप को बंद करें, वो देखें लाइव क्या आया हमारे घर में। मेरी जान हो मेरा, हाउ आर यू? कैसी हो भाई? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, क्या हो रहा है? थोड़ा देर से आना हुआ आप ना बेगम जान, ये मैं थोड़ा देर ऊंचा होता ना, मैं यकीनन तू समझते गए। आप बताएं, स्काइप पे बातें हो रही थी लाइव, मैं ये आपके बारे में इतनी ऐसी बातें कर रहा था कि मैं सुन ही नहीं सक रहा। वो तो छुप कर रहा था पप्पू चाचा। पप्पू चाचा और पूरा पप्पू ने नाल चाचा भी लाता। ये चाचा कहना जरूरी था? नहीं जरूरी नहीं था, लेकिन अभी आपको चाचा चाचा जैसे लग रहे हैं। तू दे चाचा कह के मेरी चाँ चाँ कराती। अच्छा नहीं, व्हाट्स द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या है ये बताइए। मतलब पैसे मेरे खर्च होने ते जूस किसी को भी नहीं है। मेहमान ही देख लें को घर में आया, प्लीज। भाई आजकल किसी पार्टी में नजर नहीं आती हो। अभी 5 दिन पहले पूछी की पार्टी थी, ना तुम वहाँ नजर आई, ना जेबू की पार्टी में नजर आई, ना तम्मो की पार्टी में नजर आई। कहाँ गायब रहती हो भाई? मैं तो बिल्कुल पार्टीज में जाती नहीं। मैं पहले भी आपको किसी पार्टी में नजर नहीं आई होंगी, मैं बिल्कुल पार्टी लवर नहीं। आज भी इतनी मुश्किल से आई है, घर जाके देख लें, घर में मिस्त्री लगे हुए हैं। सच पूछ, वो उनके बच्चे का खुरा बना रहे हैं, ये देखिए। अपना बेगम, ये बदतमीजी इतनी कर रहा था कि आपके बारे में वो कह रहा था कि ये वाला। कोई बात नहीं पप्पू चाचा, कल रात को मेरे कमरे में आकर ये आपके बारे में भी बहुत सारी बातें कर रहा था। मेरे बारे में? हाँ, लेकिन मैंने भी इसकी किसी बात पर यकीन बिल्कुल नहीं किया। मुझे पूरी बातों में मजा पता किस बात का था? पप्पू चाचा छोड़िए, जैसे आप कह रही थी कि आप पार्टीज में बिल्कुल नहीं जाती, बहुत अच्छा करती हैं भाई। यहाँ पर तो किसी पार्टी में चले जाओ तो ऐसे स्कैंडल बनते हैं, किस्सा एक रात का होता है लेकिन हफ्तों महीनों तक चलता ही चला जाता है। बिल्कुल, और कभी कभी तो किस्सा किसी का होता है और आप बीच में ऐवी आ जाते हैं। बिल्कुल ऐवी आ जाते हैं। खैर ये बताओ कि मौसीकी के क्या हाल है, मौसीकी कैसी चल रही है? मौसीकी माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है, बड़ा शोज वगैरह भी कर रही हूँ। इस दफ़ा तो मैं सुपीरियर कॉलेज के भी काफ़ी मैंने शोज किए हैं, लाइक और अभी कोक स्टूडियो कर रही हूँ इस साल। माशाल्लाह, हाँ बिल्कुल, और बिग न्यूज मेरा, आप कोक स्टूडियो कर रही हैं? हाँ जी बिल्कुल, वो जिसमें काफी लोग चीजें लगा के बैठे होते, नाश्ता को बिरयानी को पाए को पता नहीं क्या, एक बंदा तो मैं लच्छे भी बेचता रहता। हाँ जी वही वाला। हाँ जी हाँ जी, उसका कुछ सुना दें हमें भी। वो लोग जो है, नहीं वो जो है वो तो एक सरप्राइज है, लोग वहीं पे सुनेंगे। सरप्राइज है बिल्कुल, वो तो वैसे कुछ सुना दें आप आई हैं, वो तो बिल्कुल सुनाएंगे हम लोग। भाई खादिम, तुम्हें नहीं पता कि हमारे मुल्क में अब सिर्फ एक ही स्टूडियो बचा है, कोक स्टूडियो। बाकी अल्लाह माफ करे, बारी स्टूडियो, एवेन्यू न्यू स्टूडियो, शानूर स्टूडियो को तो दीमक लग गई है, दरवाजे बंद पड़े हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ खैर, आपको सुनाने वाली थी। कहीं ये ना कह देना करता रहूंगा याद तुझे मैं, यूं ही सुबह हो शाम, मिट ना सकेगा हुमैरा तेरे दिल से मेरा नाम। बेटा मेरा नाम, चुप कर। मिट गया है, मिट गया है, कई लिखा ही नहीं तुम इतना किधर से मिट गया है वो। अच्छा नाम वो सुना दो जी। रूठे हो हम तुमको कैसे मनाएं पिया, बोलो ना। आप चाहते हैं कि वो मुसीकी छोड़ दें? जितना सुरीला आप गाते हैं ना, वो तोबा कर लेंगी गाने से, उनको सुनाने दें। मैं इसलिए उनको सुना रहा हूँ कि वो जितनी सुरीली है और सुरीली हो। चले जी सुनाए जी। सदा हूँ अपने प्यार की, सदा हूँ अपने प्यार की, जहाँ से बेने आसू
किसी पे जो न खुल सके वो जिंदगी का राज हूँ, सदा हूँ अपने प्यार की। आइए मैडम देखिए तो सही, हमारे घर में सचमुच की मेहरा अर्चर साहब आई है, ये देखिए जी आइए। आप अच्छी हो ना तो आगे से कहें हो हाय हाय हाय। आप इधर आए प्लीज, तशरीफ रखे। हाय मां ककरे जाए, हाय हाय चाची मुची दी हमारा अर्शद होए, अब बनी बनाई हमारा अर्शद ले बनी बनाई ओ एहो जी ते मतलब बनावटी भी नहीं लग सकदी। वाह भी वाह, ए ते बड़ी असली असली लग रही। मैडम आप हमारे घर में आई हैं, यकीन जाने मेरा जी चाह रहा मैं बच्चा उठा के ना दीवार में मार दूं। सॉरी चाचू है मेरे, चाचू पप्पू। बेटा जब कोई मेहमान आए ना तो गले मिलते हैं, मिलो मुझे। तुझी भी नकल करो और जा। शर्म करें, हमारे घर में आई है वो। शर्म करो, ओ शर्म कर, तू अगर चप्पू जे रख लेना अपने। ओ मुझे शर्म आ गई ओए इनको देख के। ज्यादा मत उछला कूदा करो, पैंपर फिर लीक कर जाता है। मैडम क्या खाए पिएंगी? आपको पता है क्या है खाने खाने में? आपको पता ही है इस घर में आप पहली दफा नहीं आई, आपकी हंसी खुद ही निकल गई है। इसीलिए पूछते हर दफा है आज क्या है खाने। लाते कुछ भी नहीं है आज, हमने जी मेंढक जो फ्राई किया हुआ है, मेंढक थाईलैंड से जो लेके आए थे, वह खाते हैं लोग। अच्छा, बाहर छपड़ों में जाकर फिर करते ग्रैं ग्रैं ग्रैं। मेरी बात सुनो, कुछ भी आप बताएं मैं लाऊंगा आपके लिए। जो है ले आए, हैं जो है घर में ले। आपको पता ही है इस घर में खाना ही खाना है, पीना ही पीना है। जरा करेले दे उत्ते धागा नहीं असलाया, हाँ वो ले। देख लें लोगों को, किसी की खुराक का अंदाजा उनके लोगों से लग जाता है। ये देख लें खुराक का असर है, बच्चे यदि यदि रह गए। उज्जवल उनके लिए कुछ ले गया, मेरे लिए मैं उन्हें बताऊं कि बेगम जान के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? ओ ले बताऊं, इतनी मतलब अच्छी पर्सनैलिटी है तो उनको है? उनको पता चल गया ना। बताएं बताएं मुझे बेगम जान के बारे में, पहले बताएं। ये बेगम जान को अपनी अम्मी जान समझते हैं, कड़ी इतना अदब करते हैं, अपनी माँ का भी नहीं करते। और उनकी इतनी इज्जत करते हैं, मैं कहता हूँ उन्हें बुला लेते हैं, वो आपके सामने खुद ही बताएंगे कि कितने। अपना बेगम जान हमारे नए किराएदार हैं। अच्छा, हमने उन्हें ना मकान किराए पे दिया।